नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र चौधरी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने म्यूजिकल चैनल चौधरी ब्रदर्स पर। और क्योंकि 26 जनवरी नज़दीक है तो उसके लिए हमें काफ़ी समय से कमेंट्स मिल रहे थे कि देशभक्ति कुछ गीत बनाए जाएं, उनके लेसन किए जाएं। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं एक गाने के लिए, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। आज इस सॉन्ग का हम लेसन करेंगे। और देखिएगा, लेसन शुरू करने से पहले बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जो हारमोनियम सीख रहे हैं, कीबोर्ड सीख रहे हैं, उनके लिए हम लेकर के आते हैं हर रोज़ एक लेसन वीडियो। कोशिश करते हैं कि इजी तरीके से गानों की नोटेशन और अदर म्यूज़िक लेसन आपको प्रोवाइड कराएं, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। और देखिएगा, जो हमने इसका स्केल रखा है वो पहला काला रखा है, गाने का जो ओरिजिनल है वो एफ शार्प है, तीसरा काला है जो महेंद्र कपूर साहब ने गाया है। लेकिन हमने पहला काला इसलिए रखा है कि ताकि जो बिगनर हैं उनको बिल्कुल, जो पहले काले से ही बजा पाते हैं सी शार्प से ही, उनको बजाने में आसानी हो, ठीक है। आइएगा, देखिएगा, नोटेशन वही रहेगी चाहे आप सी शार्प से बजाएं चाहे आप एफ शार्प से बजाएं, ठीक है। तो हम सी शार्प से कर रहे हैं इसका लेसन। अब देखिएगा, जो गाने की शुरुआत है, क्योंकि गाना जो है काफ़ी बड़ा सॉन्ग है और तीन अंतरे हैं इसके और अच्छे अच्छे म्यूज़िक हैं, तो आज के पार्ट में जो हम करेंगे वो स्टार्टिंग म्यूज़िक और स्थाई और फिर म्यूज़िक कोरस वाला पार्ट जो है और अंतरा, इतना काम आज हम इस लेसन में करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट है, तो देखिएगा गाने की जो शुरुआत है वो कोरस पार्ट से होती है, और कोरस पार्ट जो मैंने अभी आपको गा कर सुनाया यही है। ये पार्ट है। अब देखिएगा, पहले स्लो में समझ लीजिए, फिर इसकी नोटेशन में आपको बताता हूँ। देख लीजिए पहले, रे गा रे सा रे सा रे मा गा सा रे। क्योंकि एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसमें जो स्वरों का कॉम्बिनेशन है वो देखिएगा, सा रे गा मा पा धा और शुद्ध नी और कोमल नी, दोनों नी का यूज है। अभी जितना आज का लेसन में हम सीख रहे हैं तो उसमें नी शुद्ध का ज्यादा यूज है और सा, ठीक है, और मंत्र सप्तक में कोमल नी का ज्यादा यूज है, ठीक है। देखिए, रे गा रे सा रे सा रे मा गा सा रे, आधा इतना है। स्थाई, हाँ सॉरी, स्थाई से पहले एक चीज और इसमें समझ लीजिए, एक
फ्लूट का पार्ट है। अब फ्लूट का पार्ट है, जब ये अलाप आता है तो उसके बीच में फिर ये फ्लूट का पार्ट आएगा और उसके बाद फिर वापस अलाप आएगा। अब फ्लूट का पार्ट क्या है? ये अरे सारे इतना है। अब देखिएगा जैसे अलाप आएगा उसके बीच में ही आएगा, एक बार मैं आपको बजा के दिखा दूं। अब यहां पर फिर रुकना है मां पर, और मां पर पूरी 8 बीट आपको पूरी करनी है। एक मां हो गया और 7 आकार साथ में आएंगे, ठीक है? मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, यहां तक तो हो गया। उसके बाद सोना उगले गामा मामा मामा सोना उगले, ठीक है? सोना उगले गामा मामा मा उगले हीरे मोती, उगले हीरे मोती, गा गा मा गा रे रे सा गा रे रे नी, उगले हीरे मोती, गा गा मा गा रे रे सा गा रे रे नी, उगले हीरे मोती, ठीक है? उसके बाद मेरे देश की धरती निसा सा गा गा रे रे सा, निसा सा गा गा रे रे सा, मेरे देश की धरती। ठीक है, अब उसके बाद फिर वापस वही अलाप आ जाएगा। गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं,
ये दो बार सेम नोटेशन है मागा मा पा 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 मागा मा पा 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 बैलों के गले में जब घुंघरू यहां तक का है ठीक है जीवन का राग सुनाते हैं मागा मा पा 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 धनी दा पा पा मागा मा पा 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 धनी दा पा पा जीवन का राग सुनाते हैं मागा मा पा 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 धनी दा पा पा ठीक है अब उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन है गम को सो दूर हो जाता है खुशियों के कमल मुस्काते हैं ये सेम कंडीशन रहेगी पहली लाइन वाली जो मैंने अभी आपको बताई अब उसके बाद फिर आता है लाभ हो प्रैक्टिस कीजिए यहाँ तक और इसका सेकंड पार्ट जब होगा उसका फिर हम आगे का बताएंगे इसमें और मेरी इस कोशिश में अगर कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कीजिए आप इसकी प्रैक्टिस मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर हैप्पी लर्निंग